Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will start our third lecture of biology, FSC part 1. Our lecture is the level of biological organization. In this lecture we will study about why study in level. Why we study biological organization in level. Then after this we will study about what are bioelements. After this we will study about biological organization why complex. So, and after this we will study the different levels of biological organization from subatomic particle to individual level. In this lecture we will detail study about all of these ones. So we will study about our one first point, means that biological organization ko hum levels ke andar kyun study karte hain. जो मेन पॉइंट है इसका, आपको जैसे आपने पहले पढ़ा था कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या सेल होता है वो सिंपल नहीं होता बल्कि कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स मींस उसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं. उनको एट ए सेम टाइम पे स्टडी करना यानी कि लेवल्स के बगैर स्टडी करना मुश्किल हो जाता है. तो हम उसके डिफरेंट लेवल्स बना लेते हैं और उनके अंदर हम उनको स्टडी करते हैं. क्यों स्टडी करते हैं लेवल्स के अंदर? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है. इस वजह से जब हम उसके लेवल्स बना लेते हैं तो इट्स मीन हम उसका हर पॉइंट स्टडी करेंगे, यानी कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे, उसके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे, उसका बायोकेमिकल एनालिसिस को भी स्टडी करेंगे. यानी कि हर लेवल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस लेवल को देखेंगे. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आपको जैसा कि आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स हैं. इन नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स हैं. इनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स. यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एप्रोप्रिएट है एक लाइफ को बनाने के लिए. इस वजह से हम इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कह देते हैं. और इन जो 16 एलिमेंट्स हैं ये इनमें से जो 10 है वो जो 10 एलिमेंट्स है वो 1% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का. 1% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का. अब ये एक नई टर्म आ गई, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. जिसे आपने पहले 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर 60-70% वाटर होता है. जहां उन लोगों ने कुरान और बायोलॉजी के बारे में बताया हुआ है. ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म है कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. जब न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो मिल जाता है साइटोप्लाज्म के साथ और मिलने के बाद क्या बना देता है? प्रोटोप्लाज्म बना देता है. और वो उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर 10 एलिमेंट्स की जो परसेंटेज होती है वो 1 होती है. लेकिन जो रिमेनिंग जो हमारे पास 6 रह जाते हैं वो 99% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का. हम अभी इनको छोड़ दें, 10 को, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन जो 6 है वो आपको रिमेंबर होने चाहिए. वो 6 कौन कौन से है उसको हम एक पिप से याद कर लेते हैं. कौन क्या? C स्टैंड कार्बन, H स्टैंड हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम, P फास्फोरस. अब जो कार्बन की परसेंटेज है वो थी 18%, हाइड्रोजन होता है 10%, ऑक्सीजन होता है 65%, सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन होती है 3%, कैल्शियम होती है 2% और फास्फोरस होता है 1%. यानी ये जो ये परसेंटेज है ना, ये आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब जो 6 थे उन्होंने 99% बना दिया प्रोटोप्लाज्म का. प्रोटोप्लाज्म के अंदर 99% जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो इन 6 एलिमेंट्स के होते हैं. ठीक है, अच्छा. अब ये बायो एलिमेंट्स, जो ये बायो एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट भी होते हैं, आपको मैंने बता दिया. क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एप्रोप्रिएट होती है एक लाइफ को बनाने के लिए. यानी कि बाकियों से वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. अब क्वेश्चन ये फिर आ गया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स क्यों है? पहले जिस तरह मैंने बात बता दी थी आपको कि जो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है एक लिविंग सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं, मेटाबॉलिकेशन चल रहे होते हैं. वो जो रिएक्शन होते हैं वो जरूरी होते हैं एक सेल को अपनी इंटीग्रिटी, अपनी आइडेंटिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए एक एनवायरमेंट के अंदर, और एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी जरूरी होते हैं. ठीक है ना, इस वजह से जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपका. उसके बाद हम लेवल्स को स्टडी करते हैं. वो कौन कौन से लेवल्स है? जो सबसे पहला हमारा लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल. सब का मतलब होता है स्मॉल. सब का मीन होता है स्मॉल पार्टिकल्स. स्मॉल
ऐसे पार्टिकल्स जो एटम को बनाएंगे उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे। उनमें हमारे पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं और क्वार्क और न्यूट्रिनो, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि आपने भी नहीं पढ़े, लेकिन मेजर ये ठीक है, लेकिन बाकी क्वार्क न्यूट्रिनो और बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जिसने आपने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, ये एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, ये उसका हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि शेल के गिर्द रिवॉल्व करेगा, शेल के सराउंडिंग में होगा, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, पहला न्यूट्रॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होगा, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन 0 प्रोटॉन 1, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसी भी एटम के अंदर कहलाती है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं, ठीक है ना। बात करने का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, शेल के अंदर होंगे, शेल के किधर रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं, शेल के एनर्जी के लेवल है, डिफरेंस एनर्जी के लेवल है, ठीक है। और प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन कहां होंगे, न्यूक्लियस के इन साइड होंगे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं और क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन का एटम बन जाता है। और आपको पता है ए आर नॉट टर्म का मतलब दट, पिछली क्लासेस के अंदर जैसा आपने पढ़ा हुआ है, एटम जो होता है यानी कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल होता है और इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, ठीक है ना। और एटम की प्योर फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, बायो एलिमेंट एलिमेंट्स कह देते हैं। और वो एलिमेंट्स जो किसी एटम की प्योर फॉर्म को, एटम की प्योर फॉर्म को हम क्या कहेंगे बोला, एलिमेंट्स। इनमें से हमने पहले पढ़ा हुआ है 92 एलिमेंट्स थे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते थे, उनको हम क्या कह देंगे बोला, बायो एलिमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाली जो चीज आ गई है, बायो एलिमेंट्स जो है वो आपको पता है आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, एलिमेंट्स जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर अलग क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, ठीक ना। अब जैसा कि आपको पता है कि जो के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा किसी ना किसी से, यहां देना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा, ताकि उसका भी एनर्जी लेवल पूरा हो जाए, वो भी स्टेबल हो जाए, दूसरे को वो स्टेबल कर दे, ठीक हो गया। अच्छा, ये आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, मैंने बता दिया, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर वो बॉन्डिंग करते हैं, यानी हाइड्रोजन मिसाल के तौर पर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्लोरीन का जैसे कि आपको पता है कि 7 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसके अंदर पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 7। अब इसको अपना एटॉमिक ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बॉन्डिंग करे बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये क्लोरीन आपका, ठीक है ना। बॉन्ड बॉन्ड टू टाइप का होगा, यहां तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, यहां तो वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगी, दोनों सेंटर में आ जाएंगे और ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन इसका भी होगी, दो इलेक्ट्रॉन इसके भी होगी, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग बनती है ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है, इलेक्ट्रॉन के निकलने या दाखिल होने से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम क्या कहेंगे बना, आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। जैसा कि आयोन्स फॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं बना, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। अभी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा और खुद स्टेबल हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा लेकिन ये खुद स्टेबल हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ये बायो एलिमेंट्स जो होते हैं मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं बोला, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे बोला, बायो मॉलिक्यूल्स, क्या कहते बोला, बायो मॉलिक्यूल्स। जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोजन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, डीएनए आरएनए आपने पढ़ा हुआ है, ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स है। अब बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट प्लस इन नेचर। नेचर के अंदर भी हम इसको टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं और वेट की बेस के ऊपर भी हम इसको टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे हम पहले देखेंगे जो वेट की बेस के ऊपर हम इसको
कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था वीएफपी बेस के ऊपर हम इसको टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। वन क्या माइक्रो मॉलिक्यूल्स और सेकंड वन क्या बोला मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, क्या होता है पहले लेस मॉलिक्यूलर वेट, लेस मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बोला हाई होगा, सॉरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एग्जांपल क्या बोला वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इधर ग्लाइकोजन फैटी एसिड्स इसको हम कहते हैं लिपिड्स कह लेते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, ये इसकी एग्जांपल है। लेकिन अब इनका फंक्शन क्या है, मैंने कल बताया था आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो फंक्शन होता है वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका फंक्शन क्या था पहले क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जल्दी सेल को जब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो उसको जल्दी ही दे देंगे एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में अहम रोल प्ले करते हैं, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को मेंटेन सस्टेन करने के लिए टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। अब और लेकिन अब नेचर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, नेचर के अंदर आपने भी पढ़ा हुआ है कि नेचर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर वो इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, मैंने क्रॉस बता दी इधर नहीं होंगे। और इसकी एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज C6H12O6 NO2S CO2 है, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक हो गया, इधर C6H12O6 हो गया, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होंगे, इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज, इसकी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 है, ठीक है। अब ये बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल करते हैं, असेंबल करके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, और ऑर्गेनेल्स जो है वो एक्चुअली ए सेलुलर और सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। यानी कि इधर अच्छा इधर आप अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इधर तक मैंने नॉन लिविंग बनाया था ऑर्गेनाइज तक, यानी कि इनकी नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। अभी तक जब ऑर्गेनाइज सेल के अंदर आ जाएंगे तो वो अपना खास फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, फिर वो सेलुलर बन जाएंगे क्योंकि वो सेल का पार्ट बन गए, इधर तक कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइज जो है वो एक्चुअली क्या है मतलब सब सेलुलर पार्टिकल्स है, और हर ऑर्गेनाइज का एक डेडिकेटेड फंक्शन होता है। डेडिकेटेड का मतलब क्या है, उसको एक खास फंक्शन दिया गया होता है, उसने वही फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है ना। मसाल के तौर पर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी एक ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे वैक्यूल होंगे सेल के अंदर, ये भी ऑर्गेनेल है। फिर आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, ये भी एक ऑर्गेनेल, 9th क्लास के अंदर पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल में। फिर आपने गॉल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये भी सेल का एक ऑर्गेनेल है। फिर छोटी छोटी ग्रैनुलर साफ के होती है उनको राइबोसोम्स कहते हैं, वो भी सेल के ऑर्गेनेल्स है। हर ऑर्गेनेल्स का अपना फंक्शन होता है, और ऑर्गेनेल्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक्चुअली क्या बोला सब सेलुलर, यानी कि सेल से छोटी साफे और ए का मतलब अपसेंट, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अपसेंट होती है, अपसेंट होती है उसको हम ए सेलुलर कहते हैं, ठीक है। और इधर तक नॉन लिविंग पार्ट हो गया, ठीक है ना, यानी कि ये लिविंग पार्ट नहीं है। जब ये ऑर्गेनेल सेल के अंदर चले जाएंगे तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अगर हम इस ऑर्गेनेल को माइटोकॉन्ड्रिया को उठा के बाहर रखते हैं और कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, इट्स मीन वो लिविंग नहीं होगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। लेकिन जब उसको हम एक सेल के अंदर रख देंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। मींस टू से दैट उसको वो मीडियम मिल गया है किसके लिए, अपने फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। इस वजह से उसने सेल के अंदर आते ही अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम एग्जांपल लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या बोला, जिस तरह आपने पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन करना, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या बोला, आपने 10th क्लास का पहला चैप्टर था उसमें पहले ये डेफिनेशन लिखी थी, ग्लूकोज के अंदर मौजूद जो CH बांड है उनको उनका टूटना और उनसे कौन सी किस चीज का निकलना बोला, ATP का निकलना। ATP क्या बोला, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो सेल एनर्जी करेंसी है, ठीक हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब राइबोसोम्स ये क्या करते बोला, ये राइबोसोम्स है ये करते क्या करते बोला, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, किसी भी चीज की स्टोरेज करेंगे, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एनर्जी का कोई प्रोडक्ट हो, वो स्टोरेज करेंगे, ठीक है। गॉल्जी अपैरेटस क्या करते हैं बना, मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज की, ठीक है। और लाइसोसोम क्या बना, डाइजेशन करते हैं, ठीक है।
अब राइबोसोम क्या काम कर रहा था, प्रोटीन कर रहा था, लाइसोजोम डाइजेशन कर रहा है, ये प्रोटीन बनाना लाइसोजोम नहीं कर सकता और लाइसोजोम जो है वो प्रोटीन की सेंसिस नहीं कर सकता, यानी कि हर ऑर्गेनेल्स जो है वो अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये नहीं होगा। और न्यूक्लियस का काम क्या, कंट्रोल सेंटर, सेल का कंट्रोल सेंटर क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा ये कंट्रोल सेंटर गोल्जी अपैरेटस नहीं बन सकता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन सकता, कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस ही रहेगा, ठीक है ना। और ऑर्गेनेल्स एक्चुअली है क्या, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। अब सेल क्या, सेल इज अ मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की बुनियादी साफ्ती लिहाज से और एलियाती लिहाज से बुनियादी इकाई है, ठीक है ना। अच्छा सेल के ऑर्गेनेल्स एग्जांपल होंगे और एक पूरा सेल बन गया। अब सेल जो है, हम इसकी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी सिंगल सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होगी, ऐसे दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव सिंगल सेल आर नोन एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रिलियन ऑफ सेल, मेनी मोर देन टू सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। यानी कि ऑर्गेनिज्म को, सेल को हम नंबर के लिहाज से थ्री कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑन द बेस ऑफ नंबर की बेस के ऊपर सेल को हम थ्री कैटेगरी के अंदर डिवाइड, टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, सॉरी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है, मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी मोर देन टू सेल या ट्रिलियन ऑफ सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक हो गया। अब यूनिसेलुलर की एग्जांपल क्या, पता बैक्टीरिया, इसकी ह्यूमन बींग्स मैमल्स है, ठीक हो गया, इसकी एग्जाम्पल ये होगी, ठीक है। अब इस सेल को हम ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के ऊपर सेल को हम टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन सी, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होगा और यूकैरियोटिक सेल होगा। जो प्रो का मतलब होता है बिफोर, यू का मतलब ट्रू, प्रो का मतलब बिफोर, बिफोर का मतलब कि इसके अंदर नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इसके अंदर प्रोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है, वाजे नहीं होगा, इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ट्रू और बिफोर, ठीक है, इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक हो गया। ये वाली बात क्लियर होगी आपकी। इसके एग्जाम्पल क्या, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है ये इधर, सॉरी, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके जो क्रोमेटिन हैवी मटीरियल है, ब्रास की मात्रा है, वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही सस्पेंड कर रहा होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट, ये इसकी जो, इसका जो हेरिडिटी मटीरियल है वो एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, इनवेल्प होता है, ये इस वजह से ये वाली मेम्ब्रेन इधर नहीं है, इसको हम प्रोक्रियोटिक कहेंगे, यानी कि इसका न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये होगा सेंटर के अंदर, ये एक रीजन होगा, ठीक है, उधर ही होगा, इस वजह से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। इस सेल को हम देखेंगे प्रोक्रियोटिक सेल, इस सेल को हम देखेंगे बोला यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, क्योंकि इसकी जो हेरिडिटी मटीरियल है, ब्रास की मादा जो है वो एक इनवेल्प के गिर्द क्या है, कवर्ड हुआ है, और उसको, उस वजह से हम उसको यूकैरियोटिक सेल कह देते हैं, ठीक है। एक वो डिफरेंस आपने रखना यार, प्रोमिनेंट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके गिर्द, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होंगे, और ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर राइबोसोम ऐसे एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, एक ऐसा ऑर्गेनेल जो दोनों के अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना, इनके प्रोकैरियोट के अंदर भी होगा, यूकैरियोट के अंदर होगा, के अंदर भी होगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, वो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होगा, वो सिर्फ यूकैरियोट के अंदर होगा, ठीक है। इसकी उसके बाद आ जाता है सेल, उसके सेल लेवल जो है, सेल ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक वे के अंदर, ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक खास फंक्शन, और क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, और वो जो टिश्यू होता है वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। अच्छा मिसाल के तौर पर डेफिनेशन सेल की हम क्या करेंगे, सेल लेवल की, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक वे टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन नोन एज अ टिश्यू लेवल। अब कितने टिश्यूज आपने पढ़े, मिसाल प्लांट्स के केस के अंदर आपने जाइलम टिश्यू पढ़ा होगा, जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, मतलब वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करना, और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, मतलब
टिश्यू का काम होता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन करना। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, मतलब कवर्ड बॉडी। एपी का मतलब आउटर, थीलियल का मतलब लेयर, ये भी आपने पढ़ा होगा। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या, मतलब कवर्ड अवर बॉडी पार्ट्स। फिर आपने पढ़ा होगा एक आपने होता है नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ नर्विंग पल्स। फिर आपने पढ़ा होगा कार्डिक टिश्यूज का काम क्या होता है, बोला नर्वस हार्ट बीट प्रोड्यूस करना। स्केलेटल टिश्यूज का काम क्या होता है, बोला कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाना। इस तरह आपने बहुत सारे टिश्यू पढ़े हुए, लेकिन बात याद रखने की क्या, बोला सेल्स डिफरेंट सेल्स के क्या करते, बोला रिसेंबल करते हैं एक स्पेसिफिक वे के अंदर रिसेंबल करते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं। वो जो टिश्यू होता है वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। अब टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल होंगे, हर मिसाल के तौर पर मैं एक एपिथेलियल टिश्यू बना रहा हूं, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सारे सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन जो है ये किसका बन रहा है, टिश्यू का बन रहा है। यानी कि डिफरेंट सेल जो होंगे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एपिथेलियल कवर और बॉडी पार्ट, ये फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन देंगे हमें, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोटेक्शन देना हर सेल कर रहा है काम, लेकिन ये फंक्शन किसका बन रहा है, टिश्यूज का बन रहा है, ठीक है। अब टिश्यू जो डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो एग्जाम्पल करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या बना देते हैं, बना ऑर्गन बना देते हैं। जो ऑर्गन जो होता है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना होता है और हर टिश्यू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और वो कलेक्टिवली फंक्शन दरअसल बन किसका रहता है, बना ऑर्गन का बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने स्टमक के बारे में पढ़ा होगा, जो स्टमक है उसका काम क्या, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ये काम है उसका, ठीक है ना। आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन वाला एंड वाले लेक्चर्स में पढ़ा होगा स्टमक का काम, पढ़ा होगा, ठीक है ना। स्टमक जो है ये इधर भी होंगे, ठीक है ना, ये वाले सेल्स जो होंगे ये इधर भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, समझाने के लिए आपको ये फर्जी डायग्राम, एक सपोज डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। ये इसका आपने पढ़ा था कार्डिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऊपर वाला रीजन कार्डिक स्फिंक्टर, नीचे वाला रीजन पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये इसकी सेक्रेटरी एपिथेलियम है, सेक्रेटरी एपिथेलियम है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बन गए। ये इसके मस्कुलर टिश्यू है, दो तरह के टिश्यू हो गए, एपिथेलियल टिश्यू सेक्रेटरी एपिथेलियम से बनी, एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है, और मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये दोनों टिश्यूज क्या होंगे, स्टमक के अंदर होंगे, काम स्टमक का एक ही है, क्या, बोला प्रोटीन सेंसेस। अब देखेंगे वो कैसे होगा, सेक्रेटरी एपिथेलियम, जैसा कि इसका वर्ड नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसने कोई ना कोई सेक्रेट करनी है, ठीक है ना। इस ये सेक्रेटरी एपिथेलियम जो होती है ये ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बनती है, और ग्लैंडुलर सेल क्या करते हैं, बोला गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन जो होता है इसका काम होता है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन की डाइजेशन करना, ठीक हो गया। जब फूड हमारे स्टमक के अंदर आएगी, मिसाल के तौर पर फूड के पार्टिकल है, सेक्रेटरी एपिथेलियम ऑन हो जाएगी, और ऑन होने के बाद अपने ग्लैंडुलर सेल्स को क्या करेगी, कहेगी ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन होता है, दो चीजें और होती है, वो हम इधर स्किप कर देते हैं, आप अगली क्लासेस के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर आप पढ़ लोगे, चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप पढ़ लोगे, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना। अब इस फूड के अंदर जितने भी प्रोटीन के पार्टिकल है वो कौन तोड़ेगा, कि पेप्सिन तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, मस्कुलर टिश्यू के दो काम है, एक तो मिक्स करना, ये वाला जूस अब रिलीज हो गया, मैं इसको ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला यानी अब पेप्सिन रिलीज हो गया, पेप्सिन फूड के साथ मिक्स तो नहीं हुआ, जब ये इसकी स्टमक की बाल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो ये जो जूस होगा ये फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्या करेगा, भला इस फूड के अंदर मौजूद जितने भी प्रोटीन के पार्टिकल है उनकी ब्रेक डाउन कर देगा, कौन करेगा, पेप्सिन कर देगा, ठीक है ना। कौन करवा, कौन रहा, मस्कुलर टिश्यू। एक काम मैंने बनाते कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से का एक फायदा यह है कि मिक्सिंग ऑफ एंजाइम विद फूड, और सेकंड काम का जब ये फूड की ब्रेक डाउन हो जाएगी उसको पोस्टीरियर पार्ट की तरफ भेजना है, नीचे भी भेजना है, नीचे क्या आ जाएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, इधर जाके फूड जब इधर इसकी डाइजेशन कंप्लीट होगी, ये कार्ड ये पाइलोरिक, इसको मैंने नाम क्या दिया था, बोले पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑन होगा, ऑन होने के बाद ये फूड को नीचे भेज देगा। भेज कौन रहा है, मस्कुलर टिश्यू, क्या कर क्या रहे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे,
ये बात आपने कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट और लेक्स करने के दो फायदे मैंने आपको बता दिए, टू इसका मेन एम इसके टू होते हैं, एक मिक्सिंग ऑफ एंजाइम विद फूड, सेकंड वन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। क्लियर हो गया? अब ऑर्गन जो लेवल, आप ऑर्गन के अंदर इस तरह के टिश्यूज होंगे, डिफरेंट टिश्यूज एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद एक खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो फंक्शन स्टमक का मैंने आपको बताया प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना। जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना, कर कौन रहा, दो टिश्यूज करवा रहे हैं लेकिन काम एक कर रहे हैं, कौन, प्रोटीन की ब्रेकडाउन। तो ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना फंक्शन किसका बन जाएगा, ऑर्गन का बन जाएगा, करवा दो टिश्यू रहा, यानी कि ये फंक्शन एज ए यूनिट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया? यूनिट का मतलब है क्योंकि दो टू टिश्यूज कर रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन है, वो बन किसका रहा, ऑर्गन का रहा है। ठीक है ना? फिर डिफरेंट तरह के ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर असेंबल करते हैं, मिलते हैं और सिस्टम बन देते हैं। वो जो सिस्टम डिफरेंट हमारे अंदर तकरीबन राउंड अबाउट 10 सिस्टम है जो कि मेजर है। ठीक है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम आ गया, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो होते हैं इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जिससे हमने एक ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का लेके था, हम एग्जाम्पल इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की लेके देखते हैं कि वो किस तरह है। ठीक है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपकी बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरेक्स, जो कि बहुत कॉमन है, किसके लिए बना, फूड और एयर के लिए। उसके बाद बकल फेरेंक्स से दो चीजें निकलती, लेरेंक्स और एसोफेगस। हम जाएंगे एसोफेगस के पास। लेरेंक्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो फेरेंक्स है वो एसोफेगस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, और इसके साथ और भी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। ये बात क्या रखनी, अगर स्टमक ने अपना काम नहीं किया, क्या नहीं किया, प्रोटीन की डाइजेशन नहीं की, देन जो लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन वो अपना काम नहीं करेगी, और उनको और उनका कंट्रोल सेंटर इधर है, ब्रेन है हमारा। ठीक है ना? इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम होते हैं और सिस्टम, अच्छा ये आप ये बात आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें ब्लड वेसल, ब्लड और हार्ट आ जाता है। ठीक है ना? इसके अंदर अब इसका मैंने आपको बता दिया आपको, ठीक है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड आ जाती है, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा, ब्लड वेसल ब्लड कैरी करके नहीं लेकर जाएगी। इट्स मीन दैट कि हर ऑर्गन जो होता है वो उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, अगर उसको अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा देन मीन इसका मतलब ये होगा कि अगला जो आने वाला पार्ट है, आने वाला ऑर्गन है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना? ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट के अंदर, लेकिन और कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल के केस में। मतलब इसका क्या होगा कि एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू, आपकी बुक के ऊपर एंड वाली ये लाइन लिखी हुई है, ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटी। हमारी बॉडी की एक्टिविटी क्या, कॉम्प्लेक्स है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्लांट के अंदर क्या, बाटर ने ऊपर जाना है, फूड ने नीचे जाना है, कौन कर रहा है, रूट, लीफ, स्टेम, ज़ाइलम, ठीक है ना, लीफ बना के दे जा रहे हैं। ठीक है ना? ये सिंपल सी प्लांट्स के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है, एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, हम डिफरेंट तरह के वर्क्स करते हैं लेकिन प्लांट उस तरह के वर्किंग नहीं करते जिस तरह की हम करते हैं। इस वजह से ऑर्गन सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन प्लस एक्टिविटीज। फिर ऑर्गन सिस्टम जो है, और इसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद हम इंडिविजुअल लेवल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।